कुल देवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर एक बार फिर अग्रवाल समाज की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के सदस्यों ने फरीदाबाद में अहम प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी। फरीदाबाद से पंजाब केसरी की संवाददाता पूजा शर्मा ने कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय अग्रवाल संस्था के सदस्यों से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। अक्सर कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा अग्रवाल समाज पर होती है, लेकिन फरीदाबाद वासियों पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा हो, इसको लेकर जो है जन आशीर्वाद यात्रा माँ लक्ष्मी की फरीदाबाद में प्रवास करेगी 15 दिन, और तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, क्या मकसद है? संत गोपाल जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ अग्रवाल नेता है। संत गोपाल जी, फरीदाबाद के लिए बड़ा गौरवान्वित विषय है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे फरीदाबाद को मिलेगा, किस तरह से ये यात्रा आगे चलेगी और क्या कुछ प्रारूप रहेगा? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा एक कार्यक्रम कवरेज किया, और कवरेज के साथ साथ आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है कि ये जो हमारी यात्रा आई है ये महाराज अग्रसेन के हमारे अग्रधाम से चल रहा है यात्रा, पूरे भारतवर्ष में इसका यात्रा का चलन होगा। और इस यात्रा में सबसे पहले जब यहाँ फरीदाबाद में आएगी, हम ग्रीन फील्ड सराय से उसका स्वागत करते हुए उसको अपने क्षेत्र में लाएंगे, और क्षेत्र में लाने के बाद सराय ग्रीन फील्ड होते हुए हम ओल्ड फरीदाबाद में जब लेके आएंगे तो बैंड बाजों के साथ, कलश यात्रा के साथ, बच्चों के साथ, मोटरसाइकिलों के साथ बहुत भव्य स्वागत होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल शरण गर्ग जी भी यहाँ उपस्थित होंगे उस यात्रा में, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग भाग लें और इस यात्रा को सफल बनाएं। जी हमारे साथ मौजूद हैं, अग्रवाल सेवा सदन के प्रेसिडेंट हैं, अग्रवाल धर्मशाला सोसाइटी से भी पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं। विष्णु जी, ये जो प्रारूप बनाया गया है, जो मंदिर भव्य बनना चाह रहा है, वो ज़रूर दर्शकों को बताएं कि क्या भव्यता होगी? ऐसा हम जो मंदिर बनने जा रहा है वो मंदिर शक्तिपीठ के रूप में एक उस मंदिर का निर्माण होगा। भारतवर्ष में बहुत ही कम शक्तिपीठ हैं जिसमें से एक ये शक्तिपीठ बनाया जाएगा, जिसमें हम माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कोई भी वर्ग का आदमी वहाँ के कर सकता है। और एक सबसे बड़ी जो इस मंदिर को बनाने में जो सबसे बड़ी सहभागिता है, हमने जो समाज के हर व्यक्ति से उसका सहभागिता लेने का प्रयास किया है कि उसके अंदर 500 रुपये की एक हुंडी का प्रयास किया, जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने 1 रुपये एक ईंट की बात रखी थी जो समाज को एक बड़ा संदेश था, वही संदेश को लेके समाज के प्रतिनिधि चले हैं, और उसके अंदर 500 रुपये की हुंडी का जो प्रावधान रखा गया है उससे सभी लोगों का, सभी व्यक्ति तो जितने समाज के गरीब से गरीब लोग भी एक 500 रुपये का अपना योगदान दे सकता है उसके लिए, और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल निर्माण भव्य होगा। राकेश गर्ग जी ग्रेटर फरीदाबाद से मौजूद हैं, अग्रवाल संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों में कितना जोश है राकेश जी? पूजा जी, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत ज़बरदस्त जोश है, और हम पूरी कोशिश करेंगे ग्रेटर फरीदाबाद की जितनी भी सोसाइटियाँ हैं हर सोसाइटी में हम इस यात्रा को लेकर चलेंगे, और सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रथ यात्रा को जो है स्वागत करेंगे, बहुत कोई कलश यात्राओं से, कोई फूल मालाओं से। महाआरती का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पूरे ग्रेट फरीदाबाद की 200-400 लोगों के साथ हम महाआरती करें, तो ऐसा बहुत अच्छा हम प्लान लेके चल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं राधेश्याम बंसल, अखिल भारतीय जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस। राधेश्याम जी, जैसा बता रहे हैं कि अग्रवाल समाज पूरा एकजुट नजर आएगा, उसमें महिलाओं की और युवाओं की खासकर, क्योंकि जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, आने वाली पीढ़ी तक हम पहुँचाएं, ये एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, तो उनको किस तरह से आप लोग जोड़ेंगे? पूजा जी, इस टाइम जो है ना जी, एक ये समझ लो महिलाओं में और बच्चों में, ये समझ लो आज दूसरी दिवाली आ रही है, दिवाली अभी दूर है लेकिन दिवाली से भी ज़्यादा बड़ा उत्सव मना रहे हैं, सब बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, सभी बच्चे, महिलाएं, युवा अपनी मोटरसाइकिल पे रैली निकालेंगे, और महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी, और बच्चों को, युवाओं को हम आगे खड़ा करके वो लेके ना फटके लेके झंडा लेके आगे करेंगे, तो बहुत जोश है, हर एक बच्चे से लेके युवा और महिलाओं में इतना जोश है, सब महाआरती करेंगे, सब पूजा करेंगे, और बिल्कुल ये समझ लो के साथ महालक्ष्मी के दिवाली जैसे भी बड़ा उत्सव हो रहा है। बिल्कुल सर, जैसे कि बता रहे हैं कि बड़ा जोश है, और वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि आप अनुभव रखते हैं, युवाओं को किस तरह से आगे जोड़ने के लिए अग्रवाल समाज की रीति और नीति किस तरह से युवा पीढ़ी तक पहुँचे, काम कर रहे हैं अग्रवाल समाज? अग्रसेन समाज सेक्शन 312 का प्रधान,
और सारे फरीदाबाद की वैश्य अग्रवाल सभाओं का भी प्रधान यहाँ पे जितनी सभाएं हैं उनको मैं देखता हूँ और मैं फरीदाबाद की 4 बार पूरी यात्रा निकाल चुका हूँ। सब इसमें लेडीज़ वगैरह हमारे साथ अच्छी तरह जुड़ती हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, इसलिए युवा पीढ़ी भी हमारे साथ इसमें जुड़ी रहती है और उम्मीद करता हूँ कि सारा फरीदाबाद इसमें जुड़ेगा। मैंने पहले 4 बार देखा और सब एक अच्छा डेमोस्ट्रेशन देखा। श्री राम जी बड़ा जोश नज़र आ रहा है पूरे उसमें और जैसा कह रहे थे अतिथिगण की दिवाली दूर है लेकिन दिवाली 16 तारीख से फरीदाबाद वासियों के लिए नज़र आएगी। बिल्कुल नज़र आएगी, जैसा मैं बता रहा हूँ आप भाई साहब जूलीचंद जी हैं, NIT का सारा क्षेत्र जो है उसमें अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी तरह से केदारनाथ जी हैं, ये संजय जी हैं 8 सेक्टर के प्रधान हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना पूरे 30 सभाएं जो मैंने बताई आपको, इस 30 सभाओं में दीपावली जैसा माहौल है और ये सब आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा और सभी लोगों में बड़ा उत्साह है। और मैं ये आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि एक बार एक बस में आप लोग खाली समय दीजिए, आप सब मेरे साथ अग्रोहा चलिए, एक दिन वहाँ स्टे कराएंगे। हमारी वहाँ 65 कमरों की धर्मशाला है और इतना रमणीक स्थान है वो जहाँ महालक्ष्मी जी का ये मंदिर बनना है और वहाँ 24 घंटे भंडारा चलता है जी। 4 टाइम बढ़िया हाईटेक और ठहरने की अच्छी व्यवस्था और जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको गर्व महसूस होगा, आपको ये लगेगा मैं अपने घर में आई हूँ। तो ये हम पूरे समाज को संदेश देना चाहते हैं। मैंने बताया ना अग्रोहा हमारा तीर्थ है जी। लेकिन आज हम उसको तीर्थ के रूप में नहीं विकसित कर पाए और उसका कारण यही है कि जानकारी का अभाव जी। जैसा तो अग्रोहा धाम को लेकर जागरूकता आए और साथ साथ देखिए अग्रवाल समाज जो है वो समाज सेवा में उसका योगदान अतुलनीय है और इस बात को चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो उसको नकारता नहीं है और अब एक सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए अपनी कुलदेवी को नमन करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है और फरीदाबाद के लिए ये गौरव का अनुभव है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद फरीदाबाद वासियों को भी मिलने वाला है और इसका पूरा श्रेय फरीदाबाद के अग्रवाल समाज को जाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।